रेडी होने के बाद बस नहीं बस कहीं आज हम कार का इंतजार कर रहे हैं। ये आ गई हमारी कार। से 3 दिन से हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। भाड़े पे दे के लिया, समझ सकते क्या दे के लिया। तब मेरा प्लेन एक पेड़ पे अटक गया। उठा उठा उठा, निकाल प्रदम निकाल, हिला हिला हिला, तेज हिला, ओए तोड़ना मत। फाइनली हमारा प्लेन उड़ रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। प्लेन के बाद अब बारी है जेट की। मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। मैं रेडी हो गया कॉलेज के लिए, बस शूज पहनना और बाकी है। दादाजी चाय पी रहे हैं और दादी जी तो अभी सोए हुए हैं। आज मैं जाने वाला हूँ स्कॉर्पियो से। हमारे यहाँ जूनियर्स के लिए जो हमारी बस ट्रेवलर चलती थी ना, वो जूनियर्स को लेकर जा रही है अभी, और हमारे लिए कॉलेज से डायरेक्ट कार आती है स्कॉर्पियो, उससे जाते हैं हम। थोड़े दिन में जब मैनेजमेंट सही हो जाएगा तब एक सेम टाइम का रूट डिसाइड करेंगे कॉलेज वाले, और एक बड़ी बस हमारे रूट पे आएगी 52 सीटर। तो मैं शूज और पहन लेता हूँ, उसके बाद एक शॉर्ट सम रिकॉर्ड करने वाले हैं। उससे पहले नाश्ते में क्या क्या है वो बता देता हूँ मैं। डेली मैं थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता हूँ, बट आज बिल्कुल भी लेट नहीं होने वाला हूँ भाई। पहले से ही रेडी होकर घूम रहा हूँ। केला वो भी आधा आधा, ये सैदी को दे दिया मम्मी जी ने। एक ये आलू, ये आलू देख के वो दोनों उन्हें भी चाहिए, तो इसमें से थोड़ा सा पार्ट उनके साथ शेयर कर लेते। वैसे तो मैं इसे नाखून से कट कर सकता हूँ, नाखून वाली वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन नाखून अभी मुझे छुरी नहीं मिल पाई भाई। देखो रस इसमें से जूस बाहर आ रहा है। और एक जो ये वीडियो बना रहा है, ये आप उसको देख नहीं पा रहे हो, नहीं तो इसका मन भी ललचा ही रहा है। आपका अगर खाने का मन हो तो लेके खा लेना यार, एक छोटा सा तो है, आपको कहाँ से खिलाऊँ अब इतने। बाकी ये मेरा राम राम, नहीं मिट्टू नहीं, राम राम, ये ले तुझे भी चाहिए तू, ये ले तो नीचे तो बैठ जा भैया, वहीं से खाएगा क्या, ले। पुष्पदीप का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है अभी कुछ। जेम को कोई मतलब नहीं, वो तो एक तरह अकेला शांत बैठा रहता है। ये क्या हुआ? रेडी होने के बाद बस नहीं बस कहीं आज हम कार का इंतजार कर रहे हैं। ये आ गई हमारी कार। हमारे गांव के ही एक भैया, इन्हें रेहटी तक हमारे साथ जाना था, बट कॉलेज की तरफ से ये अलाउ नहीं है कि व्हीकल में कोई और बैठे। 2 से 3 दिन से हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये है एक एयरक्राफ्ट और एक एयरोप्लेन। ये रहे मेरी क्लास के मेरे कुछ अच्छे दोस्त, ये हमारी टीम है। हम सभी मिलकर एक जेट प्लेन को तैयार कर रहे हैं और बाकी ग्रुप्स भी अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। सभी टीम्स को अपने अपने प्लेन के ऊपर अपनी टीम का नाम लिखना था। आओ इस टीम का नाम देखते हैं। प्लेन के ऊपर ओम भी बनाया है इन्होंने, सुपर 30। मेरे फ्रेंड्स आप लोगों को हाई कर रहे हैं, और अब हम चल रहे हैं इन प्लेन्स की टेस्टिंग करने के लिए ग्राउंड पे। मेरा प्लेन एक पेड़ पे अटक गया। पेड़ीला तेरा लकड़ी वाला कहाँ फंसा? ये ऊपर ही फंसा आके। अरे ये अटका ये यहीं पे। उठा उठा उठा, निकाल प्रदम निकाल, हिला हिला हिला, तेज हिला, ओए तोड़ना मत। मेरा तो निकला यार। हमारे जो प्लेयर उड़ने वाले थे, जो सब ये थे गाइस, यहाँ पर काफी लोगों को बहुत नुकसान हो चुका है, आप देख सकते हैं। फेस हो चुके हैं गाइस, बहुत प्लेन फेस हो चुके हैं, और गाइस मेरा भाई भी यहाँ ब्लॉगिंग कर रहा है। ये बड़े प्लेन और जेट रखे हुए हैं यहाँ पर हमारे हाथों से बने हुए। इनमें जो थोड़ी सी और कमियां हैं वो पूरी करने के बाद इन्हें हम उड़ाकर देखेंगे। और फाइनली हमारा प्लेन उड़ रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। हमारे शॉर्टर और लॉन्गर वीडियो एडिटर दोनों यहीं खड़े हैं।
प्लेन के पीछे आपको एक ड्रोन भी दिख रहा होगा। ये ड्रोन उस प्लेन को रिकॉर्ड कर रहा है उड़ते हुए। कुछ और शॉट्स आप देखिए। प्लेन के बाद अब बारी है जेट की। अरे खो गया मेरा तो कैमरा, खो गया। उसमें ऑयल डालो, लुब्रिकेंट डालो सर। अरे बाप रे, फाइटर जेट। अरे रेस लगवाना था यार। क्यों रेस लगवाना था ना? रेस में मजा आता, रेस लगवाना था। अरे वो अपना सर्टिफाइड वो कहां है? किधर गया? गाना बढ़िया गा रहा है। ऑडिटोरियम में जिन फैकल्टीज की टीम ने मिलकर हमें प्लेन्स और जेट्स बनाना सिखाया, हम सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया। हमने कैसे प्लेन्स और जेट्स को बनाया इस वीडियो के माध्यम से बाकी स्टूडेंट्स को बताया गया। इसके बाद हम वापस पहुंचे ग्राउंड पर और अब हमारे जूनियर्स भी इन प्लेन्स को देखने के लिए आए थे। ये ड्रोन हमें रिकॉर्ड कर रहा है और हम ड्रोन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यही वो ड्रोन्स थे जो अभी हमारे हाथों से बने हुए प्लेन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे उनका पीछा करके। चलना हर्षदीप का। तो मेरे आईफोन वाले ब्लॉग में आ चुका है रवि कुमार, सो कब चलना चाहोगे आप? हेलो दोस्त, जो हमारा परम मित्र है। गाली लग रहा है, मतलब इसको काटना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ये है गाइस एक मेंबर्स आए, और ये गाइस मेरी प्यारी बहन, और ये गाइस इसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने आईफोन कब ले लिया था। आईफोन इन्हें भाड़े पे दे के लिया, समझ सकते हो क्या दे के लिया? तब अमीरू को भाड़े पे लेकर आ रहा हूँ भाई। मैंने जीपे किया है इसके लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पेमेंट नहीं किया है। 500 रुपए लिया है, उससे ज्यादा नहीं लिया। आप चाहे तो इसकी भी ले लीजिए। आज यहाँ इस रूट पर एक एक्सीडेंट हो गया था। एक रेड बस वाले भैया ने एक बाइक वाले को टक्कर मार दी और वो एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था, इसलिए आज यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है और पुलिस आइट साइड घूम रही है। जाम लग गया इसी वजह से और हमारी कार भी रुकी हुई है। बाइक तरफ से खर्चा हुआ है, सबको दिखाना पड़ेगा। अभी जस्ट मैं कार से नीचे आई हूँ, अब चेंज कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे की रूपरेखा। ये चैम पता नहीं बाहर सबसे लड़ाई करके आता रहता है, इसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। इसके लिए मुझे टेबलेट्स और इंजेक्शन लाना था, बट हम डायरेक्ट आ गए। तो आज का हमारे ये दिन यहीं पे एंड होता है। बाय बाय।